हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेडिलाफिल या सिंडिलाफिल किस टैबलेट से लिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड इरेक्शन मिलता है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सही जवाब जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि टेडिलाफिल या सिंडिलाफिल टैबलेट के लोअर डोज को हमेशा रिकमेंड क्यों किया जाता है, अगर आप इसका सही आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए चैनल विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि टेडिलाफिल एंड सिंडिलाफिल का क्या काम है। इस टैबलेट का काम आपके लिंग में ब्लड फ्लो को तेज़ करके हार्ड इरेक्शन देना होता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये टैबलेट इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये दोनों टैबलेट आपको हार्ड इरेक्शन देने के साथ साथ आपको बेड पर लॉन्ग लास्ट भी रखती है ताकि आप संबंध बनाने का पूरा मजा ले सकें। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, किस टैबलेट से सबसे ज़्यादा हार्ड इरेक्शन मिलता है। टेडिलाफिल एंड सिंडिलाफिल दोनों ही PDE5 इनहिबिटर फैमिली की मेडिसिन है। दोनों ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है ताकि आपको हार्ड इरेक्शन मिले। बट सबको चाहिए होता है एकदम हार्ड इरेक्शन, जिससे आपकी पार्टनर को ज़्यादा फील हो, आप अपने साथी को ज़्यादा खुश कर सके। दोनों ही टैबलेट आपको हार्ड इरेक्शन देती है और दोनों टैबलेट अपनी अपनी जगह बेस्ट है और दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आप किस टैबलेट को प्रेफर करते हैं यह आपके पसंद और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, टेडिलाफिल हार्ड इरेक्शन देता है, बट सिंडिलाफिल उससे भी ज़्यादा हार्ड इरेक्शन देता है, इतना कि आपका लिंग एकदम लोहे जैसा कड़ा हो जाता है। सिंडिलाफिल जहाँ 85% ज़्यादा हार्ड इरेक्शन देता है, वहीं टेडिलाफिल 81% हार्ड इरेक्शन देता है। कई स्टडी में पाया गया है और कई स्टडी में ये प्रूफ भी हुआ है। इसके हार्डनेस से फ़ायदा होता है कि आपकी पार्टनर ज़्यादा फील कर पाती है, नसों में ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है। बट अगर इसके फ़ायदे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे सिंडिलाफिल से प्रोलॉन्ग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका लिंग देर तक खड़ा रह सकता है जिससे इंजरी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हार्डनेस रहने से कभी भी लिंग के साथ ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़ोर से नहीं करना चाहिए, वरना इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं एडवाइस की। एडवाइस यही है कि आप इस टैबलेट को सही तरीके से लें ताकि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, अपने मोमेंट को इंजॉय कर सकें। टैबलेट के साथ अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, हेवी फूड नहीं खाना चाहिए, वरना टैबलेट का असर नहीं होता है। कैसे लेना है टैबलेट या कब लेना है, इस पर मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं। आप चैनल विजिट करके कि ये सारी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। ओवरडोज या एक साथ दो टैबलेट या डेली ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि किस टैबलेट से बहुत ज़्यादा हार्ड इरेक्शन मिलता है। बट इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि टेडिलाफिल से इरेक्शन में कोई कमी आता है या हार्ड इरेक्शन नहीं मिलता है, बट सिंडिलाफिल थोड़ा ज़्यादा हार्ड इरेक्शन देता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।